विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पंचकुला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान पंचकुला वासियों को ऑक्सीवन वाटिका का तोहफा दिया गया। पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से वर्चुअली ऑक्सीवन वाटिका का शुभारंभ किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने ऑक्सीवन वाटिका में पीपल का पौधा लगाया और इसे सरकार का सराहनीय कदम बताया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत ही एक नई योजना का शुरुआत हरियाणा प्रदेश के अंदर की है। ऑक्सीवन यानी आज के समय की मांग को देखते हुए, जिस प्रकार से कोविड काल के अंदर, कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी के लिए, लाइफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है और वो ऑक्सीजन हमें पेड़ दे सकते हैं, बिना कोई खर्चा किया वो दे सकते हैं। तो ऐसे समय के अंदर ये हर शहर के अंदर ऑक्सीजन की स्थापना और उसके अंदर भी ऐसे पेड़ लगाएं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमें मिले, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद, बिना पैसे के हमारा एक बहुत बड़ा काम जो हमारे वृक्ष हैं वो करते हैं। और हम पुरातन काल से वृक्षों की पूजा करते आ रहे हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने वृक्षों की पूजा की। आज पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व के अंदर ये पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि आज जो पॉल्यूशन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इस पॉल्यूशन को, बढ़ते हुए पॉल्यूशन को रोकने के लिए पेड़ अति आवश्यक है और जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। विशेष तौर पर आज पंचकुला के अंदर लगभग जो 100 एकड़ ज़मीन के अंदर ये ऑक्सीवन की स्थापना हुई है, ऑक्सीवन का उद्घाटन हुआ है, इस ऑक्सीवन से पंचकुला के वासियों को, पंचकुला के लोगों को, विशेष तौर पर जो घग्गर पार के सेक्टर हैं, इन लोगों को बहुत ही बड़ा एक नायाब तोहफा जो है वो मिलने जा रहा है। क्योंकि ये जो ऑक्सीवन है 100 एकड़ के अंदर घग्गर के किनारे, मैं तो इसे कहूँगा कि ये घग्गर ऑक्सीवन के नाम से इसको विकसित किया जाए, क्योंकि घग्गर एक बहुत पुरानी जो नदी जिसके किनारे आज ये ऑक्सीवन स्थापित किया गया। वैसे भी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 2.5 किलोमीटर लंबा जो ये घग्गर रिवर फ्रंट उसको डेवलप करने जा रही है, उसके साथ साथ ये ऑक्सीवन आने से निश्चित तौर पर लोगों को बहुत बड़ी एक तोहफा मिलेगा और जो लोग हैं वो अपना जीवन जो है वो सुखी जीवन व्यतीत कर सकेंगे। ऑक्सीवन वाटिका को घग्गर नदी के पास बनाया जा रहा है। इस ऑक्सीजन वाटिका को 100 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। वाटिका की लंबाई करीब 2.5 किलोमीटर तक होगी, जिसमें हर तरह के पौधे लगाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।